आप देख रहे हो टीच टू टीच बाय उस्मान। मेरी इस वीडियो में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस करा था लाइब्रेरी की परिभाषा और समाज में लाइब्रेरी की क्या भूमिका होती है। आज एक और मैं नया टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, और ये टॉपिक भी आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन इसमें से अवश्य आता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र या पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम। आज हम पुस्तकालय विज्ञान के अंतर्गत जो फाइव लॉज हैं लाइब्रेरी साइंस के, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दो क्वेश्चन अवश्य इसमें से आता जरूर है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डॉक्टर एसआर रंगनाथन से। डॉक्टर एसआर रंगनाथन जो है वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस कहलाते हैं। पुस्तकालय में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालय के महत्वपूर्ण योगदान के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले इनका योगदान जो होता है वो लाइब्रेरी साइंस में इनके द्वारा बनाए गए पांच नियम के बारे में आता है। एक और नई बात बताना चाहूँगा, इनके जन्मदिन के दिवस को ही लाइब्रेरियंस डे मनाया जाता है। इनका जन्म 12 अगस्त 1892 में हुआ था, लेकिन बहुत सी किताबों में आपको 9 अगस्त देखने को मिलेगा, लेकिन जो इनका जो लाइब्रेरियन डे मनाया जाता है इनके जन्मदिन दिवस पे मनाया जाता है जो है 12 अगस्त। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। डॉक्टर एसआर रंगनाथन द्वारा बनाए गए पांच नियम जो थे वो 1928 में इनका प्रतिपादन किया गया था, इनको बनाया गया था। और इनको कहाँ बनाया गया था? इनको बनाया गया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, इसका इन सूत्रों को बनाया गया था। और 1931 में इसको प्रकाशन किया था। डॉक्टर एसआर रंगनाथन की जो पुस्तक थी लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसमें इन्होंने इन पांच सूत्रों को शामिल किया गया था। इसकी बुक की जो प्रस्तावना है वो लिखी थी पी एस शिवास्वामी अय्यर, और भूमिका जो थी वो लिखी थी डब्ल्यू सी बेविक सेयर्स ने। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम कौन कौन से। तो पुस्तकालय विज्ञान के पांच नियम में से सबसे पहला नियम हमारा है पुस्तकें उपयोग के लिए है, पुस्तकें सभी यूज करते हैं। यदि हम पहले समय की बात करें तो पहले समय पे पुस्तकों पर सिर्फ बड़े बड़े लोगों का अधिकार ही था। जो समाज में जो अपर क्लास होती थी वही सिर्फ पढ़ने लिखने का काम करती थी, और इससे नीचे लोअर क्लास जो होती थी उसे पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं दिया जाता था। जब डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने देखा कि यह प्रक्रिया गलत है, पुस्तकें सबके लिए है और सबको उसका यूज करना आना चाहिए, उसी को देखते हुए उन्होंने एक नियम बनाया था पुस्तकें उपयोग के लिए है, यानी बुक आर फॉर यूज। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम, सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारा क्या है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। पाठक आता है, यदि लाइब्रेरी में जब पाठक आता है तो लाइब्रेरी में यदि उसकी आवश्यकता अनुसार पुस्तक नहीं मिलेगी तो वह लाइब्रेरी में आना पसंद नहीं करेगा और लाइब्रेरी का कोई महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि लाइब्रेरी जो है वो पूरी तरह से यूजर के लिए बनाई गई है। तो सेकंड लॉ हमारा क्या है कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी एवरी यूजर इज हर बुक। अब हम नेक्स्ट नियम की बात करते हैं। नेक्स्ट नियम हमारा थर्ड लॉ है। थर्ड लॉ है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, कोई महत्व नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से लाइब्रेरी में रखी पुस्तकें, यदि उस लाइब्रेरी में रखी पुस्तकों को उसका पाठक नहीं मिलेगा तो उस पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रहेगा, और जब पुस्तकों का कोई महत्व नहीं रहेगा तो लाइब्रेरी का भी कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसीलिए डॉक्टर एसआर रंगनाथन ने इस नियम को बनाया कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ हमारा है पाठक का समय बचाओ। पाठक का समय बचाओ ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए माना जाता है कि यदि लाइब्रेरी में यूजर एंटर करता है और लाइब्रेरी में यूजर एंटर करने के बाद यदि यूजर लाइब्रेरी स्टाफ से कोई पुस्तक मांगता है और लाइब्रेरी स्टाफ उस पुस्तक को देने में यदि थोड़ी देरी लगा देता है तो यूजर अनकंफर्टेबल फील करता है, उसे लगता है कि हाँ मेरा आना समय बेकार जाता है क्योंकि मुझे समय पर कोई भी सारी चीजें नहीं मिलती। तो लाइब्रेरी जितने भी लाइब्रेरी स्टाफ है
जो लाइब्रेरी में कार्य करते हैं उनके लिए ये बड़ी चुनौती बन जाती है कि हम किस प्रकार से यूजर के लिए समय बचाए, ताकि यदि यूजर को उसकी आवश्यकता अनुसार उसकी जो मांग है अगर हम उसको समय पे उपलब्ध करा दें तो वह बार बार लाइब्रेरी में आने के लिए इच्छुक होगा। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि इस नियम में हम ऐसी कौन कौन सी चीजों को अपनाएं जिससे कि पाठक का समय बचे। नेक्स्ट बात करते हैं फाइव फ्लो यानी फिफ्थ फ्लो हमारा। फिफ्थ फ्लो हमारा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। मतलब होता है कि पुस्तकालय जो है वो एक जैविक वस्तु है, यानी जैविक वस्तु का मतलब ये है कि पुस्तकालय में भी परिवर्तन होता रहता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि डॉक्टर शरणार्थन ने फाइव फ्लोज बनाया, 1928 में इसका प्रतिपादन किया गया था मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में, और 1931 में इसका प्रकाशन किया था ग्लोब्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस में। इसकी प्रस्तावना जो कि पी एस शिवास्वामी अय्यर ने लिखी थी, भूमिका उसकी डब्ल्यू सी ब्रैकेट सेस ने लिखी थी। और फाइव फ्लोज हमारे कौन कौन से हैं? पहला नियम हमारा है पुस्तकालय विज्ञान का पुस्तक के उपयोग के लिए है, यानी बुक आज फॉर यूज। सेकंड फ्लो हमारा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यानी एवरी यूजर हिज हर बुक। थर्ड नियम हमारा जो है वो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, यानी एवरी बुक इट्स यूजर। फोर्थ नियम हमारा पाठक का समय बचाओ, सेव द टाइम यूजर एट या रीडर, यूजर कह लो या रीडर कह लो। फिफ्थ नियम हमारा है पुस्तकालय एक वचनशील संस्था। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी वन बाय करके हम डिटेल्स में इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले नियम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी हमने फाइव फ्लोज के बारे में पढ़ा था कि फाइव फ्लोज कौन कौन से थे, तो हम पहले नियम से स्टार्ट करते हैं कि पहले नियम में किस किन चीजों का आपको ध्यान देना है। तो प्रथम नियम हमारा क्या था कि पुस्तक के उपयोग के लिए है, यानी बुक फॉर यूज। तो इसमें हम ऐसी कौन कौन सी चीजों को अपनाएं या कौन कौन सी चीजों पे हम ध्यान दें जिससे कि पुस्तकें सबके लिए यूज हो सके। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें हमारा एक काम आता है पुस्तकालय के स्थान का निर्धारण, कि पुस्तकालय का स्थान एक ऐसी जगह पे होना चाहिए जो यूजर के लिए इजी हो, जहाँ पर यूजर आसानी से पहुंच सके। ऐसा नहीं कि आपने काफी दूर लाइब्रेरी खोली है वहां पर यूजर नहीं आया, तो वो गलत है। दूसरी बात है नए व्यवस्थापन यानी सेल्फ अरेंजमेंट। सेल्फ अरेंजमेंट में क्या है कि जो पुस्तकें होती हैं यदि वे अलमारी में क्रम वाइज रखी होती हैं तो इससे क्या होता है कि यूजर को आसानी होती है पुस्तक को ढूंढने में, ताकि वे आसानी से उस पुस्तक को ढूंढ सके। तीसरी चीज है सूचीकरण एवं वर्गीकरण यानी कैटलॉगिंग और क्लासिफिकेशन। इससे क्या होता है कि इससे यूजर को पता होता है कि कौन सी पुस्तकें कहाँ पर रखी हुई है। तो ये लाइब्रेरी में करना आवश्यक है, लाइब्रेरी में जितने भी कर्मचारी होते हैं वे चीज को ध्यान रखते हैं। चौथा नियम, चौथी चीज हमें जो याद रखना है वह भवन एवं फर्नीचर, कि लाइब्रेरी का जो स्ट्रक्चर है जो लाइब्रेरी की बनावट है वो आकर्षक होनी चाहिए, स्वच्छ होनी चाहिए, हवादार होनी चाहिए, रोशनीदार होनी चाहिए, और ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर पाठक बैठकर आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट इसमें जो याद रखना है वो आपका है पुस्तक चयन। पुस्तक चयन यानी कि पाठक की आवश्यकता के अनुसार लाइब्रेरी में पुस्तकें होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने लाइब्रेरी में बहुत सारी पुस्तकों को रख लिया है और वो यूज में नहीं आ रही है तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं रखता। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि यूजर की भी राय लेनी चाहिए, यानी पाठक की भी राय लेनी चाहिए कि हमें पाठक के बारे में पता होना चाहिए कि पाठक क्या कर रहा है, पाठक की आवश्यकता क्या है, पाठक को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, तो उससे रिलेटेड हमें अपनी लाइब्रेरी में पुस्तकें रखनी चाहिए। फिर सिक्स पॉइंट हमें जो याद रखना है वो है संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा मतलब क्या होता है, रेफरेंस सर्विस जिसको हम कहते हैं, इसके भी क्वेश्चन आता है उसके ऊपर भी नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। संदर्भ सेवा का मतलब होता है कि पाठक और पुस्तक के बीच में जो सहयोग स्थापित करते हैं, पाठक और पुस्तक के बीच में जो सहयोग स्थापित करते हैं उसको हम संदर्भ सेवा कहते हैं। संदर्भ सेवा लाइक जैसे डिक्शनरी हो गया, ये हमारी संदर्भ सेवा के अंतर्गत आती है। सेवन है हमारा कर्मचारी। कर्मचारी लाइब्रेरी के काइंड होनी चाहिए, दयालु होनी चाहिए, पाठक की हेल्प करे और लाइब्रेरी के बारे में पाठक को बताए ताकि पाठक उसको यूज कर सके। तो फर्स्ट नियम में आपको इन सभी बातों को ध्यान में रखना है। यदि आप कोई भी लाइब्रेरी विजिट करते हो तो उसमें इन नियमों को अच्छी तरह से आप समझ सकते हो।
तो जैसे इसमें हमें कौन कौन सी बात ध्यान रखनी है, एक पुस्तकालय के स्थान का निर्धारण, दूसरा रैंक व्यवस्थापन, तीसरा सूचीकरण एवं वर्गीकरण, चौथा भवन या फर्नीचर, और फिफ्थ हमारा है पुस्तक चयन, और सिक्स हमारा है संदर्भ सेवा, और सेवन हमारा है कर्मचारी। आप एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सेकंड नियम के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज हम सेकंड नियम के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट नियम के बारे में हमने देखा कि फर्स्ट नियम में आपको कौन कौन सी बातों पर ध्यान रखना है, और अब हम बात करते हैं सेकंड नियम के बारे में कि सेकंड नियम में हम कौन कौन सी बातों को ध्यान रखें। तो सेकंड नियम हमारा था प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तो प्रत्येक पाठक को इसकी पुस्तक मिले इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले राज्यों का दायित्व देखते हैं कि पुस्तकालय में राज्यों का क्या दायित्व होता है। तो संविधान में शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया है। समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करती है, इसलिए केंद्र राज्य का ही दायित्व बनता है कि वे पुस्तकालयों के लिए व्यवस्था करें। नैतिक धन का समुचित प्रबंधन, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों को खरीदना, पुस्तकालय में नई पुस्तकों को लगाना, फर्नीचर इत्यादि के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए धन का उचित बंटवारा हो ताकि हम पुस्तकें यूज कर खरीद सकें और यूजर उसको यूज कर सके। नेक्स्ट है पुस्तकालय उपकरण यानी लाइब्रेरी। इंग्लिश में अगर हम बात करें लाइब्रेरी केज, पुस्तकालय उपकर यानी अभी तक पुस्तकालय उपकर 19 राज्यों में लागू हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं सेकेंड पॉइंट क्या याद रखना है, पुस्तकालय प्राधिकार का दायित्व। पुस्तकालय प्राधिकार का दायित्व यानी कि जो लाइब्रेरी में जो लोग कार्य करते हैं उनका क्या दायित्व होता है। तो उनका दायित्व होता है एक तो पुस्तक चयन की पुस्तकों को वो वही रखें जो यूजर की आवश्यकता के अनुसार हो। जैसे फर्स्ट नियम में बताया था आपको कर्मचारी चयन, कर्मचारी एकदम प्रशिक्षण होना चाहिए, उसे पता होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस के बारे में ताकि वे यूजर की हेल्प कर सके। मुक्त द्वार प्रणाली, मतलब मुक्त द्वार प्रणाली का मतलब ये है कि यूजर आए और उसे किसी भी प्रकार की रोक टोक ना हो और वे अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी पुस्तक को चुन सके। विस्तार सेवा, विस्तार सेवा से अभिप्राय ये है कि पुस्तकालय का विस्तार उन क्षेत्रों तक करना, उन लोगों तक करना जहां तक पुस्तकालय की सेवा उपलब्ध नहीं है। तीसरा है पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व। पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व होता है कि लाइब्रेरी में जो यूजर आता है वह उसकी हर प्रकार से मदद करे। ठीक, फोर्थ चीज आपको जो तो याद रखनी है वह है पाठकों का दायित्व। पाठकों का दायित्व भी यह बनता है, मतलब जो यूजर है जो लाइब्रेरी में आ रहा है उसका दायित्व भी यही बनता है कि वह जो लाइब्रेरी से पुस्तक लेके जा रहा है वे उसकी देखरेख करे, उसे वे फाड़े वगैरह ना, उसे वो खोए ना। तो ये सेकंड ईयर में चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड लोग के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट नियम और सेकेंड नियम हम पढ़ चुके हैं, आज हम थर्ड नियम के बारे में बात करेंगे। अब हम थर्ड नियम के बारे में बात करेंगे। थर्ड नियम हमारा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले इसके लिए भी कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे मुक्त प्रवेश प्रणाली, जैसे सेकेंड नियम में बता दिया गया है, नई पुस्तकों का प्रदर्शन, ये नई चीज़ें कि लाइब्रेरी में जितनी भी नई पुस्तक आती है उनका वो प्रदर्शन करें ताकि यूजर उसको देख सके और उसको वो यूज कर सके। थर्ड आपका है रैंक व्यवस्थापन में परिवर्तन, मीन्स लाइब्रेरी में अलमारियों में जो पुस्तकें रखी जाती हैं वह पुस्तकालय स्टाफ को समय समय पर परिवर्तन करते रहना चाहिए, क्योंकि यूजर जो आता है वह पुस्तकों को मतलब कहीं भी रख देता है, तो इससे कुछ यूजर को उनकी आवश्यकता अनुसार पुस्तकें नहीं मिलती। इसके लिए रैंक व्यवस्था में परिवर्तन करते रहना चाहिए ताकि पुस्तकें अपनी जगह पर रखे रहें। और आपको याद रखना चाहिए पुस्तकालय सूची, मतलब लाइब्रेरी कैटलॉग, जिससे कि यूजर आसानी से अपनी पुस्तकों को प्राप्त कर सके। फिर है प्रसार सेवा। प्रसार सेवा मतलब बता चुके हैं कि जहाँ पर लाइब्रेरी का विस्तार नहीं हुआ है
या जिन लोगों तक लाइब्रेरी का लाइब्रेरी की सेवा नहीं पहुंच पाती तो ये वहाँ तक उसको प्रचार करें। संदर्भ सेवा भी बता चुके हैं, संदर्भ सेवा में भी वह पुस्तक और पाठक के बीच में जो सहयोग स्थापित करते हैं उसको हम संदर्भ सेवा कहते हैं। तो थर्ड नियम में आपको एक बातें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि फाइव फ्लोर कंप्लीट हो सके। अब हम बात करते हैं, अभी हमने थर्ड नियम के बारे में डिस्कस करा, आज हम फोर्थ नियम के बारे में डिस्कस करेंगे। फोर्थ नियम हमारा है पाठक का समय बचे। हम कौन कौन सी चीज़ें को ध्यान में रखें ताकि पाठक का समय बचे, और सबसे है पुस्तकालय का निर्धारण। सबसे पहला है पुस्तकालय को निर्धारण ध्यान रखना है, क्योंकि पुस्तकालय यदि सही जगह पे होगी तो यूज़र आसानी से उसको विजिट कर सकता है। दूसरा है रैंक व्यवस्थापन, यानी पुस्तकों को अलमारियों में क्रमवाइज सीक्वेंस में रखना चाहिए ताकि पुस्तक यूज़र तक पहुँच सके और यूज़र पुस्तक का आसानी से पहुँच सके। थर्ड है सूचीकरण में वर्गीकरण, आपको पहले बता चुका है। संदर्भ सेवा भी आपको पहले बता दी गई है। पुस्तकों का परिसंचरण यानी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन मीन्स लाइब्रेरी में इशू और रिटर्न जो व्यवस्था होती है पुस्तकों का वो बहुत इजी होना चाहिए। उसके लिए RFID टैग का यूज़ किया जाता है। RFID टैग मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इससे पुस्तकों को चोरी होने से भी बचाया जाता है। छठा है पाठक कार्ड यानी लाइब्रेरी कार्ड को यूज़ करना चाहिए ताकि पाठक को ज़्यादा समय वेट ना करना पड़े। ये तो था फोर्थ नियम, यानी कि पुस्तकालय का निर्धारण, रैंकिंग व्यवस्था, सूचीकरण, वर्गीकरण, संदर्भ सेवा, पुस्तकों का परिसंचरण और पत्रक पाठ। अब हम बात करते हैं पुस्तकालय विज्ञान के पांचवें नियम के बारे में। पांचवा नियम हमारा है पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था मीन्स पुस्तकालय में परिवर्तन होता रहता है। पुस्तकालय में परिवर्तन या विकास दो प्रकार से होता है, एक बाल विकास, दूसरा वयस्क विकास। बाल विकास जो होता है वो दिखाई देने वाला कार्य होता है कि लाइब्रेरी में जो भी कार्य होगा वो आपको दिखाई देगा, जैसे कि भवन निर्माण, पुस्तक खरीद, कर्मचारियों की नियुक्ति, ये आपको दिखाई देता है। और वयस्क विकास जो होता है वह दिखाई नहीं देता, जैसे पुस्तकालय सेवाओं की गुणवत्ता, तकनीकी विकास, पुस्तकालय खरीद, कर्मचारियों का कौशल। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हुई होगी, और यदि आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हो तो वह आप कमेंट में लिख सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और थैंक यू, वेलकम। मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्द ही बनाऊंगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो लगे तो बताना, अच्छी लगे तो बताना कैसी है। थैंक यू।